हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ SST स्टूडेंट्स। एज यू नो वेरी वेल, SST वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज हियर, नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल, जो हमारे प्राकृतिक क्षेत्र हैं दुनिया के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एज यू आर सीइंग इन द स्क्रीन, नेचुरल रीजन्स में आपका फर्स्ट दिया है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एज यू आर सीइंग हियर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटर जो हमारी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसके दोनों साइड में ये पाए जाते हैं। सेकेंड में आप यहाँ जो क्लाइमेट देखेंगे तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इस रीजन्स की जो क्लाइमेट होती है वो हॉट और ह्यूमिड होती है। वेजिटेशन टॉल हार्डवुड ट्रीज, जो वेजिटेशन होती है, इटी में जो वनस्पति होती है, बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं और हार्डवुड ट्रीज। वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हैं, मंकीज, जगार्स एंड टॉकेंस। सो दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आप देख रहे हैं कि लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के चारों तरफ मिलते हैं और जो हमारा आर्कटिक सर्किल है नॉर्थ में, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्कटिक सर्किल इन द साउथ। ये एरिया है जहाँ पर आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाया जाता है। कूल एंड वार्म समर्स, यहाँ की जो कूल एंड ड्राई वार्म समर्स होते हैं, ठंडा ड्राई वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, और सर्दियाँ ठंडी होती हैं, ये आपका टेम्परेट जोन में आ जाता है। कूल एंड ड्राई वार्म समर्स एंड द कोल्ड विंटर्स, दीज आर द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन्स। एंड द वेजिटेशन में आपकी ग्रासेस आएंगी, यहाँ पर वनस्पति के रूप में बड़ी बड़ी ग्रासेस, घास पाई जाती है। और जो वाइल्ड लाइफ है, इट मीन्स यहाँ के जो जीव जंतु हैं, वो आपका रोडेंट्स एंड द ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं हॉट डेजर्ट। जो हॉट डेजर्ट रीजन्स आता है यहाँ पर, तो फाउंड अराउंड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के आसपास के एरिया में आपका ये रीजन्स पाया जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हॉट, यानी दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें ठंडी हो जाते हैं। वेजिटेशन में आपका थॉर्नी बोसेस, अकाशिया एंड कैक्टस। कैक्टस के हैं, अकाशिया के हैं, और कटीली झाड़ियों के रूप में यहाँ की वेजिटेशन पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ में आते हैं तो आपका स्कॉर्पियंस, कैमल एंड स्नेक्स, दीज आर द मेन वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन्स। नेक्स्ट है आपका टूंड्रास। जो टूंड्रा रीजन्स है, यहाँ कह रहा है आर्कटिक टूंड्रा नॉर्थ पोल, ये इसका रीजन्स है जहाँ पर ये वेजिटेशन पाई जाती है। अल्पाइन टूंड्रा हाई एल्टीट्यूड, अल्पाइन टूंड्रा हाई एल्टीट्यूड में, और आर्कटिक टूंड्रा नॉर्थ पोल में। अब आते हैं सेवरली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ की जो क्लाइमेट होती है बहुत ही ठंडी होती है। एंड शॉर्ट समर्स, गर्मियाँ बहुत कम समय के लिए आती हैं। एंड लॉन्ग हार्स विंटर्स, जो विंटर्स होता है वो बहुत ही लंबे दिनों तक रहता है, और हार्स इट मीन्स कहने का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब वेजिटेशन पर आते हैं तो मॉसेस, लाइकेंस और ग्रासेस, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ दिस एरिया। एंड वाइल्ड लाइफ में आते हैं तो पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्स एंड आर्कटिक वॉल्व। सो दीज आर द मेन वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन। आते हैं टॉपिक पर, तो लर्निंग आउटकम्स में आप क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। सो लर्निंग आउटकम्स आर गिविंग हियर। वार्म अप में चलते हैं, तो वार्म अप जैसा कि आप देख रहे हैं, वार्म अप लुक एट द पिक्चर्स एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स इसमें दिए गए हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द रीजन्स। पिक्चर्स को देख करके आपको रीजन पहचानना है कि कौन सा क्षेत्र है,
कैसा क्षेत्र है, किस में आएगा ये, एंड कैन यू आइडेंटिफाई द रीजन्स, डू यू थिंक दे एग्जिस्ट इन द सेम नेचुरल रीजन्स और इन डिफरेंट वंस गिव रीजन्स, यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ योर वार्म अप, यू विल कैपेबल टू आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स, दिस नॉलेज मे हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर की वोकैबुलरी में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, रेन फॉरेस्ट है, अमेजन लेयर एंड ग्रास लैंड्स एंड टूंड्रा, जो फोर वेजिटेशन आपने नेचुरल रीजन्स वहाँ देखे थे उसी से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट था आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर आपका रेन फॉरेस्ट का पिक्चर्स है, एमरजेंट लेयर्स एंड ग्रास लैंड्स एंड टूंड्रास। सो आते हैं अपने टॉपिक पर, अ नेचुरल रीजन इज लार्ज एरिया ऑफ द लैंड विथ यूनिक सॉइल टाइप्स, जो हमारा नेचुरल एरिया है, नेचुरल रीजन इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक बड़ा सा एरिया होता है जमीन का, विच यूनिक सॉइल टाइप्स, जहाँ की जो सॉइल होती है, इट मीन्स जो मिट्टी होती है वो एक अलग तरह की होती है, अनोखी होती है, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जो जलवायु होगी वो भी अलग होगी, एंड वेजिटेशन इट मीन्स जो वनस्पति, इट मीन्स कहने का मीन्स पेड़ पौधे, वो भी क्या होंगे, अलग होंगे, वाइल्ड लाइफ जीव जंतु ये भी अलग तरह के पाए जाएंगे, एंड ह्यूमन लाइफ स्टाइल्स, एज यू नो वेरी वेल ह्यूमन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जब ये डिफरेंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन लाइफ स्टाइल भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सनलाइट रिसीव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिग्री ऑफ सनलाइट रिसीव, कितनी धूप आ रही है, सनलाइट की कितनी रोशनी, कितना टेम्परेचर, हमारा क्लाइमेट कितना गर्म हो रहा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, क्या क्या, सॉइल का टाइप्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन स्टाइल। देयर आर थ्री क्लाइमेटिक जोन ऑन द अर्थ, अर्थ में जैसा कि आप जानते हैं हम मेन रूप से थ्री क्लाइमेटिक जोन के बारे में ही पढ़ते हैं, ईच ऑफ दी जोन्स हैज द स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा भी है क्लाइमेट एंड क्लाइमेट जोन, तो वहाँ पर आपने थ्री जोन्स पढ़े थे, जो फर्स्ट जो आपका था टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, उसी जोन के बेस पर हम ये वेजिटेशन भी पढ़ेंगे, तो स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन एनिमल लाइफ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, जितनी भी हमारी वेजिटेशन है, वनस्पति है और हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो सब क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी हैं, फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं, हार्श हैं, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती हैं ये हमारी सिचुएशंस। क्लाइमेट जोन में आप देख रहे हैं टॉरिड जोन, जैसे कि लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन जो हमारा इक्वेटर के ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों साइड में रहता है, इसके बाद आपका आता है टेम्परेट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पाया जाता है, फ्रिजिड जोन जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिलता है, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आपका टॉरिड जोन में मिल जाएगा एंड हॉट डेजर्ट भी इसमें मिल जाएगा, टेम्परेट जोन में जब हम पहुंचेंगे तो टेम्परेट ग्रास लैंड मिल जाएंगे, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, इस तरह के एरिए में आपका ग्रास लैंड वाला टेम्परेट ग्रास लैंड जोन मिलेगा, फ्रिजिड जोन में आते हैं तो टूंडा आ जाता है, जहाँ पर हार्श कंडीशंस होती हैं, इट मीन्स वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन का मिलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सो दिस वॉज द लेसन ऑफ द डे एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।